Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 16, and we are reading unit number 5, the great Masjid of Cordoba and Iqbal. Kartaba ki Azim Masjid aur Iqbal. Today we will resume the text from page 42, second paragraph. Therefore, please open your books at page number 42, second paragraph. Lama Iqbal paid a visit to the Masjid-e-Kartaba in 1933. Lama Iqbal ne Masjid-e-Kartaba ka 1933 mein dora kiya. To Lama Iqbal 1933 mein gaye the Masjid-e-Kartaba. This was not an ordinary visit of an average tourist interested in ancient monuments. This was not an ordinary visit. ये एक आम दौरा नहीं था, या ये एक आम सफ़र नहीं था, ये एक आम दौरा नहीं था. एक आम स्याह का, ऑफ एन एवरेज टूरिस्ट, एक आम स्याह का इंटरेस्टेड इन एंशिएंट मोनूमेंट्स, जो कदीम यादगारों में दिलचस्पी रखता है. यानी लामा मोहम्मद इकबाल का ये जो दौरा जो था, ये आम स्याहों जैसा आम दौरा नहीं था. और आम से किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं? एंशिएंट मोनूमेंट्स में, यानी कदीम यादगारों में, एंशिएंट कदीम मोनूमेंट्स यादगारों में. बट अ पिलग्रिमेज, बल्कि एक ज़ियारत करने वाले का दौरा था. टू एन आउटस्टैंडिंग सिंबल ऑफ फेथ, एक ईमान की एक बेहतरीन मिसाल का, या एक बेहतरीन नमूने का. बाय अ फेथफुल बिलीवर, एक सच्चे ईमान रखने वाले का, एंड विजनरी पोइट, और एक बसारत रखने वाले शायर का. द साइट ऑफ द मस्जिद ट्रांसपोर्टेड हिम इनटू द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम. मस्जिद का नज़ारा उनको ले गया. ट्रांसपोर्टेड का मतलब ले जाना. तो मस्जिद का नज़ारा लामा मोहम्मद इकबाल को ले गया इनटू द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुनहरे दौर में. तो जो सुनहरा दौर था मुसलमानों का, तो मस्जिद को देखकर लामा मोहम्मद इकबाल को वो दौर याद आ गया. विच प्रोवाइडेड रूट्स टू द एनलाइटमेंट इन यूरोप, जिसने बुनियादें फराहम की यूरोप में इल्म की. एनलाइटमेंट इन यूरोप का मतलब है कि यूरोप में इल्म की जिसने जड़ें या बुनियादें फराहम की थी, या तरक्की की जो बुनियादें हैं वो उसने फराहम की थी. दी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स resulted in creation of one of his super poems, the Masjid-e-Kartaba. ये मजबूत एहसासात वजह बने या नतीजा बने in the creation of one of his super poems, उनकी एक बेहतरीन पोएम या एक बेहतरीन नज़म बनने का, the Masjid-e-Kartaba. Masjid-e-Kartaba तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक नज़म है, Masjid-e-Kartaba. वो उन्होंने ये मस्जिद देखने के बाद बनाई थी. इसका एक शेर है. ऐ हरमे करतबा इश्क से तेरा वजूद, ऐ हरमे करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त तो बूद. पहले इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि इसका मतलब क्या है. ऐ हरमे करतबा, यानी ऐ करतबा की मस्जिद. हरम कहते हैं मस्जिद को, अल्लाह के घर को. ऐ करतबा की मस्जिद, तू इश्क की वजह से बनी है. इश्क से तेरा वजूद, तू इश्क की वजह से बनी है. तो सबसे आसान तरीन अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ऐ करतबा की मस्जिद, तू इश्क की वजह से बनी है. इश्क सरापा दवाम, इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा रहता है. इश्क सरापा दवाम, दवाम का मतलब है हमेशा रहने वाला. इश्क हमेशा रहने वाली चीज़ है, जिसमें नहीं रफ्त बूद, इसमें कभी कमी नहीं आती और ये कभी मुरझाता नहीं है. इसमें नहीं रफ्त बूद, इसमें कभी कमी नहीं आती और कभी ये मुरझाता नहीं है. तो इश्क हमेशा रहने वाला है और इसमें कभी कमी नहीं आती और इसमें ये कभी मुरझाता नहीं है. तो देखें, टू इश्क यू ओ योर बींग ओ हरमे कर्दोबा, टू इश्क दैट इज़ अटर्नल, नेवर वैनिंग, नेवर फेडिंग.
तो ऐ हरम करतबा, तू इश्क की वजह से बनी है और इश्क इटर्नल है, हमेशा रहने वाला है, नेवर वैनिंग नेवर फेडिंग, ना कम होने वाला और ना मुरझाने वाला। द मोस्ट कंज्यूमेट एंड अकम्पलिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद इज इट्स प्रेयर हॉल। सबसे ज़्यादा मुकम्मल और बेनुक्स मस्जिद का नमाज पढ़ने का हाल है। तो द मोस्ट कंज्यूमेट एंड अकम्पलिश्ड, कंज्यूमेट का मतलब है मुकम्मल, अकम्पलिश्ड का मतलब ये बेनुक्स या मुकम्मल स्ट्रक्चर, हिस्सा या पार्ट। तो मस्जिद का सबसे मुकम्मल और बेनुक्स हिस्सा जो है वो मस्जिद का प्रेयर हाल है या इसकी नमाज पढ़ने वाला हाल है। द हाल इज इरेक्टेड, इस हाल को बनाया गया है, इस हाल को तैमीर किया गया है विद 857 कॉलम्स, 857 कॉलम्स के साथ या 857 स्तूनों के साथ। कॉलम्स कहते हैं स्तूनों को, या आप स्तून देख सकते हैं कि 857 कॉलम्स हैं। तो 857 कॉलम्स के साथ इस हाल को बनाया गया है। फ्रॉम विच सप्राउड, जिसमें से निकलते हैं या फूटते हैं, एन अमेजिंग टू टायर सिमेट्रिकल आर्चेस, बहुत शानदार दो टायर्ड, टू टायर्ड का मतलब है दो लाइनों वाली, दो कतारों वाली, सिमेट्रिकल आर्चेस, सिमेट्रिकल का मतलब है सिमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं, यानी एक ही साइज़ की जो आर्चेस होती हैं उनको सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो एक ही जैसे, एक ही साइज़ की या एक ही जैसी आर्चेस या एक ही जैसे मेराब, आप देख सकते हैं कि आर्चेस जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं एक ही जैसे, यानी सिमेट्रिकल आपको नज़र आ रहे हैं, हर एक जैसे बिल्कुल एक ही साइज़ के आर्चेस हैं और ये सिमेट्रिकल हैं। और ये जो स्तून है ये हैं, इनके बारे में बताता है कि 857 कॉलम्स हैं या स्तून हैं इसके। इसके बाद हम मेराब के बारे में आगे पढ़ेंगे। द आर्चेस, ये जो मेराब हैं, आर मेड ऑफ स्टोन एंड रेड ब्रिक्स, ये स्टोन के बने हुए हैं और रेड ब्रिक्स के बने हुए हैं, यानी पत्थरों के और सुर्ख ईंटों के बने हुए हैं, गिविंग स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिक इफेक्ट, और ये एक रंगीन असर डालते हैं, गिविंग ये देते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत क्रोमेटिक इफेक्ट, क्रोमेटिक इफेक्ट का मतलब है रंगीन असर, टू द इंटीरियर ऑफ द प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल या नमाज पढ़ने का जो हाल है उसके अंदरूनी हिस्से के ऊपर। तो अंदरूनी हिस्से के ऊपर ये एक कलरफुल इफ़ेक्ट या एक रंगीनी अता करते हैं ये। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉलम्स इन द प्रेयर हॉल इस हाल सो अमेज्ड इकबाल दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन दीज वर्ड्स, इतने ज़्यादा कॉलम्स या इतने ज़्यादा सतूनों ने, कॉलम्स का मतलब सतूनों, मल्टीप्लिसिटी का मतलब ज़्यादा नंबर में होना, ज़्यादा तादाद में होना, तो इतनी ज़्यादा तादाद या सतूनों की इतनी ज़्यादा तादाद में इन द प्रेयर हॉल, नमाज पढ़ने के हाल में, सो अमेज्ड, उसने इतना ज़्यादा हैरान किया इकबाल को, दैट ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स इन दीज वर्ड्स, कि उसने अपने एहसासात का इन अल्फाज में अपने एहसासात को पेश किया या अपने एहसासात को बयान किया। तेरी बिना पायदार तेरे स्तून बेशुमार, शाम के सहर में हो जैसे हजूमे नहलील, तेरी बिना पायदार, बिना कहते हैं बेस को, तो तेरी बिना पायदार मींस के तेरी फाउंडेशंस जो हैं, तेरी बेस जो है, तेरी बुनियादें जो हैं वो मजबूत हैं, तेरी बिना पायदार यानी तेरी बुनियादें मजबूत हैं, तेरे स्तून बेशुमार और तेरे स्तून जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, यानी 857 हैं, तो तेरे स्तून बेशुमार शाम के सहरा में, तो मुल्क शाम जो है, जो कि एक सराई मुल्क है, उसमें जैसे हजूमे नहलील, नहलील का मतलब है खजूर के जो दरख्त होते हैं उनको नहलील कहा जाता है, और हजूम का मतलब है बहुत ज़्यादा। तो शाम के सहरा में जिस तरह बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त लगे हों, उसी तरह ये इतने ही ज़्यादा
इस प्रेयर हॉल में क्या लगे हुए हैं, स्तून लगे हुए हैं, तो ये देख। तो द फोकल पॉइंट इन द प्रेयर हॉल इज द फेमस हॉर्सशू आर्च मेहराब एंड द किबला वॉल ऑफ द मेहराब। अब यहाँ से आगे राइटर हमें ये बताता है कि वहाँ पर मेहराब में अगर देखें तो एक नहल नुमा हाल के अंदर नहल नुमा मेहराब और मेहराब की किबले की तरफ दीवार काबिले तवज्जो मकामात हैं। द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट का मतलब काबिले तवज्जो जो मकामात हैं इन द प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल में या नमाज पढ़ने के हाल में, इज़ द फेमस हॉर्सशू आर्च, घोड़े की जो जिसे हम घोड़े के पांव जैसी जो आर्च होती है वो बनी हुई है मेहराब में, उसका मेहराब बना हुआ है। एंड द किबला वाल ऑफ द मेहराब, और जो किबले की जो दीवार है मेहराब की वो भी बहुत प्यारी बनी हुई है। द आर्च एंड द किबला वाल, कहते हैं वो जो आर्च है जो किस तरह बनी हुई, हॉर्सशू की तरह, यानी नहल नुमा। द आर्च ऑफ द किबला वाल ऑफ द मेहराब, मेहराब की द आर्च मेहराब एंड द किबला वाल ऑफ द मेहराब, और मेहराब की जो किबले की दीवार है आर डेकोरेटेड, उन दोनों को मज़ीन किया गया है या उन दोनों को सजाया गया है विद द इंस्क्रिप्शन, एक लिखाई के साथ, एक तहरीर के साथ। इंस्क्रिप्शन का माना है तहरीर के साथ, ऑफ टू लाइन, दो लाइनों की तहरीर के साथ, ऑफ कैलीग्राफी, लिखाई की या नक्श नगारी की, इन कॉफिक स्टाइल, कॉफिक अंदाज में, बोथ ऑन द टॉप, ऊपर भी, एंड ईदर साइड ऑफ द आर्च, और आर्च के दोनों तरफ। तो आर्च के दोनों तरफ भी, यानी मेहराब के दोनों तरफ भी और टॉप के ऊपर भी, कॉफिक स्टाइल में कैलीग्राफी की गई है, लिखाई की गई है, तहरीर की गई है। द मोज़ेक ऑफ द टू लाइंस ऑफ कैलीग्राफी हैज़ ब्लू बैकग्राउंड विद गोल्ड लेटर्स। अब यहाँ से आगे ये बताते हैं कि वो किन कलर्स में, वो जो लिखाई की गई है वो किन कलर्स में की है। दो सतरों वाली खुशनुमा तहरीर, द मोज़ेक ऑफ टू लाइंस, मोज़ेक का मतलब खुशनुमा तहरीर, तो द मोज़ेक या उसका रंग, रंगों वाली, द मोज़ेक ऑफ टू लाइंस ऑफ द कैलीग्राफी हैज़ ब्लू बैकग्राउंड, दो सतरों वाली खुशनुमा तहरीर का पस मंज़र नीला है, विद गोल्ड लेटर्स, और उसमें सुनहरे हरूफ से लिखा गया है, वेयर एज द सिंगल लाइन ऑफ द कैलीग्राफी, जबकि जो एक लाइन है जो लिखी गई है इमीडिएटली ओवर द आर्च, उस आर्च के ऊपर या मेहराब के ऊपर, इज मोज़ेक हैविंग गोल्ड बैकग्राउंड विद ब्लू लेटर्स इन कॉफिक स्क्रिप्ट, और उस पर रंगीन पत्थरों से नक्श नगारी की गई है जिसका पस मंज़र सुनहरा और हरूफ नीले रंग के कॉफिक तर्ज में लिखे गए हैं। द मेहराब इज़ डेकोरेटेड विद गोल्ड टेसरे, मेहराब जो है उसको सजाया गया है या उसको मज़ीन किया गया है, तो मेहराब को मज़ीन किया गया है विद गोल्ड टेरेसे, किसके साथ, सुनहरी टाइलों के साथ या गोल्डन रंग की टाइलों के साथ, एंड रिपीटेड फ्लोरिंग, और बार बार इस्तेमाल होने वाले फूलों के डिज़ाइन के साथ, फ्लोरिंग डिज़ाइन फूलों के डिज़ाइनों के साथ, ऑफ प्लांट्स, पौधों के रिफ्लेक्टिंग डार्क ब्लू, रेडिश ब्राउन, येलो एंड गोल्डन रेज ऑफ लाइट दैट चार्म्स द विजिटर विद इट्स ब्यूटी। और यहाँ से आगे बताता है उसमें रंग कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे गहरे नीले, सुर्ख माली भूरे, जर्द और सुनहरी रंग की रोशनियों की शुआएँ मुनक्कस हो रही हैं। अ डेजलिंग डोम होवर्स ओवर द मेहराब, एक शानदार डोम या मेहराब जो है, या मेहराब के ऊपर नज़र को खीरा करने वाला एक गुंबद मलिक है। तो एक गुंबद जो है, डोम जो है,
वो लटक रहा है ओवर द मेराब, मेराब के ऊपर। तो एक शानदार, आप ये कह सकते हैं कि एक खीरा कर देने, डैजलिंग का मतलब नज़र को खीरा कर देने वाला, शानदार या चमकने वाला, यानी ऐसे चमकने वाला जो नज़र को खीरा कर दे, उसको कहते हैं डैजलिंग। अ डैजलिंग डोम होवर्स ओवर द मेहराब, तो एक नज़र को खीरा कर देने वाला गुंबद, डोम कहते हैं गुंबद को, होवर्स, वो मंडला रहा है या मुलक है ओवर द मेहराब, मेहराब के ऊपर। इट इज़ बिल्ट ऑफ क्रिस क्रॉसिंग रिब्स, ये बना हुआ है क्रिस क्रॉसिंग रिब्स से। क्रिस क्रॉसिंग का मतलब एक दूसरे को पार कर देने वाले, रिब्स का मतलब टुकड़े। तो ये बना हुआ है एक दूसरे को पार कर देने वाले टुकड़ों से। दैट क्रिएट पॉइंटेड आर्चेस, जो कि नोकदार मेहराबों को बनाती हैं। आल लेवेशली कवर्ड, जो कि भरे हुए हैं, लेवेशली कवर्ड का मतलब भरे हुए हैं, विद गोल्ड मोज़ेक, शोदार नमूनों से, इन रेडियल पैटर्न, गोलदार डिज़ाइनों में। रेडियल पैटर्न का मतलब है जिसमें रेडियस यानी गोल दायरा हो, ठीक है, उसके अंदर से लाइंस लगी हुई, ऐसा जो पैटर्न होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो होता है, इसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। द एडिशन ऑफ द रिब्स, रिब्स का या टुकड़ियों का, ये जो टुकड़ियाँ होती हैं पसलीनुमा टुकड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये सारे के सारे जो आप बातें पढ़ रहे हैं, रिब्स और ये वॉल्स, डोम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में आती हैं। द एडिशन ऑफ द रिब्स, ये जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रिब्स का या पसलीनुमा टुकड़ों का, टू द वॉल्ट, चोटियों की चोटी के साथ ऑफ द डोम, गुंबद की, वॉज नॉट ओनली गिवन स्ट्रेंथ टू द डोम, ना सिर्फ ये गुंबद को तकवीत बख्शता है, ये मजबूती फराहम करता है, बट आल्सो प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग डेकोरेटिव टेक्निक, बल्कि वो एक पुरकशिश तजयन वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करता है, तकनीक भी इस्तेमाल करता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज फाउंड बाय इंटरलेसिंग रिब्स, जिस तरह एक गुलाब होता है, यानी एक गुलाब की मानद आरइश देता है, बल्कि इसको इसकी रोशनी को भी दुबाला करता है। ये था आज का हमारा टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में आपने ये देखा होगा कि हमने बहुत से आर्किटेक्चरल चीज़ें पढ़ी और ऐसे वर्ड्स पढ़े जो आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो होमवर्क जो है आपका क्लास 10th इंग्लिश यूनिट नंबर 5 का, और यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं द ग्रेट मास्क ऑफ कार्डोबा एंड इकबाल, ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट करनी है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर English to English and Urdu meanings. Have a very nice day.